सो हाय गाइस, 6th एनिवर्सरी के थीम पे आपको एक बहुत ही स्पेशल क्रिएट देखने को मिलने वाले हैं, जिस क्रिएट के अंदर आप लोगों को दवा के फिस्ट का स्किन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप लोग को बिल्कुल फ्री में फिस्ट का स्किन देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो कितना सारे यहाँ पर फिस्ट स्किन है। आप लोग एक फिस्ट स्किन चूज करोगे और अपने मन मुताबिक चूज करने के बाद उसको फ्री में क्लेम कर लोगे। सीन तो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कमाल का है, क्योंकि पहली बात तो आपको मैं फ्री फिस्ट स्किन का तरीका बताऊंगा, उसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स कवर करेंगे, जैसे कि अगस्त मंथ का भूया पास। आप लोग जानना चाहते हो ना क्या कुछ आइटम्स आपको मिलेंगे अगस्त मंथ भूया पास के अंदर, इसलिए तो आज इसका रिव्यू कराऊंगा एंड साथ ही में बात कर लेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में। कल सुबह आपको अपने गेम के अंदर कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, एक न्यू मोड भी आएगा, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर आगे जाके पता चल जाएगा। हालांकि अपडेट सिर्फ इतने नहीं है, बल्कि हम बात कर लेंगे अपना जो डेंसो सेक्शन है उसके अंदर करना वाले कुछ न्यू बंडल्स ऐड करे है। अब वो बंडल्स कब तक गेम के अंदर आएंगे और कौन से इवेंट के थ्रू दिया जाएगा आज वो भी बताऊंगा। तो आओ गाइस, अब बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने टू नाइट अपडेट से, यानी कि कुछ फ्री के रिवॉर्ड से। कल सुबह आपको अपने गेम के अंदर दो न्यू इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो इवेंट है गाइस, वो है अपने दोस्तों के साथ में गेम प्ले करना है, जिसके बदले में आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर स्पिन करने के लिए बिल्कुल फ्री में 3 वाउचर दिया जाएगा। बाकी उसका जो मिशन है वो होने वाला है प्ले विथ फ्रेंड्स, उसका बैनर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। बहुत ही आसान से एक सिंपल सा आपको मिशन देखने को मिलने वाला है, जिसके बदले में रिंग इवेंट के अंदर आप लोग स्पिन कर सकते हो 3 बार, क्योंकि 3 वाउचर आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। उसके बाद गाइस, अपना जो अगला टू नाइट अपडेट है वो है एक न्यू मोड, यानी कि कल सुबह आपको और एक न्यू मोड अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है, जिसका नाम है मिस्ट्री टाउन, और जिस मोड में गेम प्ले करने पर आपको कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। एक रिवॉर्ड कंफर्म है, आप लोग को M4E1 का गन स्किन क्रिएट देखने को मिलने वाले है, बाकी कुछ और रिवॉर्ड्स जो है वो गरना वाले अपने मन मुताबिक ऐड करा देंगे। सो गाइस, को ये हो गया अपना कुछ टू नाइट अपडेट, जो कि कल सुबह आप लोग को अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है। एंड जो न्यू मोड आएगा वो 29 जून तक अपने गेम के अंदर रहने वाले है, जिसके बीच आप लोग गेम प्ले करके फ्री रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हो। एंड जो 3 आप लोग को वाउचर मिलने वाले है, यानी कि 3 वाउचर आपको फ्री मिलेगा, वो इवेंट रहने वाला है 27 जून तक। 27 जून के बीच में आप लोग को अपने दोस्तों के साथ गेम प्ले करके बिल्कुल फ्री में 3 वाउचर क्लेम कर लेना है। सो टू नाइट अपडेट यहाँ पर खत्म होता है, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अब हम बात करेंगे अपने अगस्त मंथ भूया पास के बारे में। आप लोगों को जुलाई भूया पास का मैं रिव्यू ऑलरेडी एक दो बार करा दिया हूँ, जिसलिए आज मैं जुलाई के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ हम बात करेंगे अगस्त मंथ भूया पास के बारे में। गाइस, जैसे कि रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से फार्मास का गन स्किन देखने को मिलने वाले है। वैसे गाइस, ये एक लेजेंडरी फार्मास का गन स्किन है। बात करें एट्रीब्यूट, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे डबल रेंज और साथ में सिंगल मूवमेंट स्पीड एंड एक्यूरेंसी को माइनस किया गया है। तो ये गन स्किन देखने पर थोड़ा मोड़ा बढ़िया है, एट्रीब्यूट आपको ज्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा जो है बढ़िया देखने को मिलने वाले है। और उसके बाद आपको इस तरीके से मेल का पैंट देखने को मिलने वाले है एंड ये फ्री का रिवॉर्ड से। देन ये वाला आप लोग को फीमेल बंडल देखने को मिल जाएंगे अगस्त मंथ भूया पास के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन डिजाइन किया गया है। मुझे तो इसका पैंट काफी शानदार लग रहा है। हालांकि ये आपको दो कलर के साथ देखने को मिलेंगे, पहले में गाइस आप लोग को ब्लू पैंट देखने को मिलेंगे और दूसरे में गाइस आप लोग को व्हाइट कलर का पैंट देखने को मिलने वाले है। लेकिन दोनों पैंट काफी टाइट है, तो एकदम बढ़िया सेट हुआ है, बंडल बढ़िया लग रहा है। समझ रहे हो? अब इसमें समझने वाली बात कहाँ से आ गया भाई यार, बढ़िया लग रहा था इसलिए तारीफ कर दिया थोड़ा मोड़ा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को इस तरीके से बहुत बड़ा सा लूटबॉक्स का स्किन भी देखने को मिलने वाले है अगस्त मंथ भूया पास के अंदर। और सही बताऊं तो भाई, ये लूटबॉक्स कम एलियन का UFO ज्यादा लग रहा है। मतलब यार, इतना बड़ा लूटबॉक्स है कि आप लोग 4-5 एनिमी को मार के एक पेटी के अंदर सारे पेटी छुपा सकते हो। मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा लूटबॉक्स दिया गया है। खैर, जो भी हो, इस तरीके से आपको बिना एट्रीब्यूट का और बिना एनिमेशन के बाइक का स्किन देखने को मिलने वाले है। दैनिक पैरासूट का स्किन मिलेगा और बिल्कुल लास्ट में ये वाला मेल बंडल देखने को मिलने वाले है। वैसे हाँ, लास्ट मतलब कि ये बस बंडल के अकॉर्डिंग लास्ट है, लेकिन और भी रिवॉर्ड्स आपको भूया पास के अंदर मिलेंगे। बंडल आपको कैसा लगा है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। फिर भूया पास को भरने के लिए थोड़ा बड़ा बैनर और अवतार जैसे हर बार दिया जाता है, वैसे इस बार भी दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। देन ये वाला आप लोग एक सर्फ बोर्ड का स्किन देखने को मिलने वाले है, जिसके पीछे से थोड़ा सा इफेक्ट्स आपको नजर आ जाएंगे। और हाँ, ज्यादा कुछ बढ़िया ना भी हो, थोड़ा सा आप लोग बढ़िया इसको मान के चल सकते हो। आगे जाइए, आप लोग को इस तरीके से ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाले है, जिसके अंदर भी एनिमेशन गन ने डाल रखा है। और 100 लेवल करने पर आपको फार्मास का स्किन बिल्कुल परमानेंट मिलने वाले है। अगर आप लोग 130 लेवल करते हो, फिर आप लोग के लिए एक बढ़िया सा कटाना का स्किन यहाँ पर तैयार किया गया है, उसके भी रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन एनिमेशन इफेक्ट्स कुछ नहीं मिलेंगे, बस एक नॉर्मल सा कटाना का स्किन आप लोग को दिया जाएगा। वैसे गाइस, अगर आप लोग 140 लेवल कंप्लीट करते हो, फिर आपको ये वाला बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, मैं सही बताऊं तो भाई, मुझे ये ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं लगा है। बाकी बिल्कुल लास्ट में 150 लेवल पर मेरा भी दिमाग सटक गया था और आप लोगों का भी सटक जाएगा। और वो क्यों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस वाले इमोट को देखकर आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। भूया पास के अंदर उसी इमोट को दिया गया है, जो कि आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिला है गेम के अंदर अपने अचीवमेंट सिस्टम के द्वारा। अभी यहाँ पर गरना वाले को तय करना है कि भाई हम उसको फ्री में दे कि ना दे। मतलब कि जानबूझ के लिए 8000 पॉइंट में इमोट को दिया गया है, ताकि हम इमोट को क्लेम ना कर पाए और भूया पास के अंदर इमोट को दे दिया गया है। गाइस, देखो, ऐसी बात नहीं है, ये कुछ ग्लिच के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर मैं एक दो इमोट का रिव्यू कर रहा हूँ, इनमें से एक इमोट को नेक्स्ट अगस्त मंथ भूया पास के अंदर एड करा दिया जाएगा। सो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को जो इमोट अचीवमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिला है वो आप लोग को फ्री में ही मिलने वाले है, और अगस्त मंथ भूया पास के अंदर दूसरा इमोट एड किया जाएगा। बाकी बंडल
के साथ में आप लोग को जो भागने का अलग अलग इफेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर आपको मैं रिव्यू करा कर दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट्स और एनिमेशन मिलने वाले हैं। फिलहाल आओ गाइस अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक मेल बंडल का रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बंडल आप लोग को कुछ दिन बाद ही अपने गेम के अंदर डेंसो सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। शायद अब तक गेम के अंदर उसको ऐड भी कर दिया होगा। आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको अभी तक ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन अगर ऐड नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी आपको ये बंडल अपने डेंसो सेक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। देखने पर यह बंडल काफी शानदार करना वालों ने डिजाइन किया है। वैसे हाँ कुछ टाइम बाद गाइस ये बंडल आप लोग को अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। शायद एक रिंग इवेंट के थ्रू इस वाले बंडल को गेम के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही में गाइस इसका एक फीमेल बंडल भी है। आप लोग को फीमेल बंडल भी अपने रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले है। और जो भी इन बंडल्स को परचेस करोगे डेंसो सेक्शन के अंदर ये दोनों बंडल्स आपको दिख जाएंगे और कुछ पॉइंट्स भी आपको मिलेगा। लेकिन जरूरत नहीं है यार, ये बंडल वाकई में बढ़िया है मैं मानता हूँ, मगर हाँ ये सिलेक्टेड सीरीज का नहीं है। सो भाई ये कभी भी गेम के अंदर रिटर्न आ सकता है, जिसलिए परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग अगर चाहते हो तो भाई ये डिपेंड आप लोग पर करता है। फिलहाल ये कब तक गेम के अंदर रहेगा ये कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। बस मैं आप लोग को इतना बता दूं कि गाइस आप लोग को ये न्यू बंडल रिंग इवेंट के द्वारा अपने गेम के अंदर नजर आ जाएगा। खैर अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैसे आप लोग बिल्कुल फ्री में फिस्ट स्किन क्लेम कर सकते हो। गाइस आप लोग को यहाँ पर मैं कुल मिला के 5 क्रिएट का रिव्यू कर रहा हूँ। 5 क्रिएट इसलिए क्योंकि यार फ्री फायर का अब तक 5 एनिवर्सरी आया हुआ है और इस बार 6 एनिवर्सरी आएगा। अब ये जितने सारे क्रिएट गाइस सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी, फोर्थ एनिवर्सरी और साथ में फिफ्थ एनिवर्सरी तक सारे क्रिएट इसके अंदर अवेलेबल किया गया है। और इस क्रिएट के अंदर एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग यानी कि एनिवर्सरी इवेंट का टाइम पर जितने सारे आइटम्स रिवॉर्ड्स अपने गेम के अंदर आए थे वो सारे आइटम्स को इस वाले क्रिएट के अंदर ऐड करा गया है। जैसे आप लोग क्रिएट को ओपन करोगे आप लोग को उस क्रिएट के अंदर से वो एनिवर्सरी इवेंट का फ्री रिवॉर्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने थर्ड एनिवर्सरी क्रिएट ओपन कर रहे हो तो आप लोग को थर्ड एनिवर्सरी स्पेशल जो रिवॉर्ड्स अपने गेम के अंदर आए थे वो सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक हो जाएगा एंड आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से आप लोग को रिवॉर्ड्स जो है बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले हैं क्रिएट के अंदर से। और कुछ लिंक्स की माने ये भी दिया गया है, मतलब कि आप लोग को एक स्पेशल क्रिएट अपने स्टोर के अंदर या फिर घर वाले अपने इन गेम में कुछ अलग इवेंट के तरीके से आप लोग को एक स्पेशल क्रिएट अवेलेबल कराएंगे जिसके अंदर आप लोग को काफी सारे फिस्ट स्किन देखने को मिल जाएंगे। और वो डायमंड से भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो क्रिएट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए। और अगर वो फ्री में मिलेगा तो भाई जो फिस्ट स्किन आपको मिलेगा वो परमानेंट करने वाले शायद नहीं दे सकते, लेकिन हाँ दे भी सकते क्योंकि 6th एनिवर्सरी एक बहुत बड़ा इवेंट है इस बार के लिए। कुछ खास करके यही कुछ अपडेट्स है, या तो आप लोग को क्रिएट के अंदर से बिल्कुल फ्री में फिस्ट स्किन मिलने वाले हैं क्रिएट ओपन करने पर, या फिर कुछ मिशन को गेम के अंदर कंप्लीट करने पर आप लोग को फ्री में फिस्ट स्किन मिल सकते हैं। देखते करने वाले कौन से तरीके को अपनाएंगे एंड कौन से फिस्ट स्किन आपको फ्री में देने वाले हैं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। तो फर्स्ट कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई आप दिन में कितना बार एक्सरसाइज करते हो, मतलब कसरत? देखो कसरत शायद एक बार, दो बार, तीन बार, अरे वो तो मैं खाना खाता हूँ। नहीं नहीं यार कसरत बसरत मैं कुछ नहीं करता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आओ गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई आपका जीएफ क्या है, आपके जीएफ का नेम क्या है? देखो यार पहली बात आपको मैं एक कहावत के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा। आप लोगों ने अपने पूरे जिंदगी में एक कहावत एक बार जरूर सुने होंगे, एक बार नहीं 10 बार सुन चुके होंगे कि यार जले में नमक छिड़कना नहीं चाहिए। सो उम्मीद है समझदार कोई सारा काफी है। मतलब यार तुम लोग सिंगल लौंडे को जीएफ का नेम तक पूछ रहे हो, कोई कोई तो भाई शादी तक पहुंच गया है, समझ रहे हो? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आओ आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई रन एंचेंटर बंडल कब आएगा? थोड़ा भारी इंग्लिश में कमेंट किया भाई ने। और आपका फर्स्ट जो लव था वो है कि गया हाथ से? नहीं देखो असल में इस कमेंट को हम साइड रखते हैं और जो पूछे वो रन एंचेंटर बंडल कब आएगा भारी इंग्लिश वाला कमेंट, तो भाई देखो फिलहाल तो वो सब बंडल गेम के अंदर बैक नहीं आने वाले हैं। एंड हाँ जो कमेंट में छोड़ दिया था भाई उसका रिप्लाई मुझे नहीं देना है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही बोला हूँ जले पर नमक छिड़कना नहीं चाहिए। बाकी हाँ जिन लोगों का कमेंट आज मैं पिक नहीं कर पाया हूँ टेंशन बिल्कुल मत करना, कल के वीडियो के अंदर आप सबका कमेंट भी पिक हो जाएगा। तो इस तरीके से फनी कमेंट भी कीजिएगा ताकि यार वीडियो में हम थोड़ा सा इंटरेस्ट ला पाए एंड आप लोग को मजा भी आ जाएगा कमेंट्स का रिप्लाई देखकर। फिलहाल आज का ये वीडियो यही तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेट कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।